हाँ तो भाई इस वक्त हम है रोड़ी जंक्शन में। फिलहाल अभी हम जाएंगे बाहर कसम की तरफ। आपका वहाँ पहुँचने के बाद जो मिलना मिलना होता है सब कजन्स वगैरह से, वो पूरा तो भाई इस वक्त हम है रोड़ी जंक्शन में और रोड़ी के स्टॉप पे रुके हैं। यहाँ पे सिर्फ 20 मिनट के लिए रुकेंगे, फिर हम निकलेंगे आगे की तरफ। ये रोड़ी है, ये हमारी बिजनेस क्लास पाकिस्तान रेलवे, और ये यहाँ पे असल में फिलिंग हो रही होती है। तकरीबन 5 बज चुके हैं, नींद नहीं आ रही, ये सक्कर है। ये रोड़ी है आगे, और क्या सफर चलता हमारा। कॉफ़ी मिल रही यार, कॉफ़ी देखते हैं, कॉफ़ी देखते हैं। स्टॉप अगर लंबा हो तो कॉफ़ी क्यों ना हो यार, कॉफ़ी तो ज़रूरी है, कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है भाई। नींद भी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कॉफ़ी ले लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और बेगम को भी मिलने के साथ चलते हैं अंदर की तरफ। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये Day 2 की है, जो कि लाहौर में हम लोग गुजर रहे थे, लाहौर के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी लेने के बाद कोई क्लिप नहीं बनाया था क्योंकि टाइम मिल ही नहीं पाया, रात के बहुत लेट हो रहा था, अच्छा खासा लेट हो रहा था। तो कॉफ़ी लेके हम लोगों ने पी और लेटे, उसके बाद फिर सीनरी शॉट्स हैं और आगे लाहौर, इसको देखें फिर मज़ीद बात करते हैं। ठीक है, इस वक्त Day 2 लाहौर में, और लाहौर के बाद अभी रात के कज़न के घर जाना है। कल के दिन लाहौर से इस्लामाबाद या कोच बस, और फिर जो है हम जाएंगे सवाद साइड। फिलहाल अभी हम जाएंगे बाहर कज़न की तरफ, बीच में रास्तों से लाहौर से गुजरते हुए, तो चलते फिर। Much later. ये much later वाला सीन जो था, जो डाला मैंने, वो इसलिए डाला था क्योंकि इसके बाद कोई सीक्वेंस बनाया नहीं था मैंने। मसला ये था कि 12 बजे हम लोग 12:30 बजे संडे के दिन लाहौर पहुँचे थे, और फिर जो है वहाँ पहुँचने के बाद जो मिलना होता है सब कज़न्स वगैरह से, वो लोगों से, वो लगा रहा सारा, फिर क्या नाम है, पूरे दिन इसी में गुजर गया। मतलब 1:30 बजे पहुँचे, और 1:30 बजे पहुँचने के बाद जो है हम लोग को टाइम मिला 7 बजे तक का। ये घर में दावत थी 7 बजे तक की, 7 बजे घर में दावत स्टार्ट हुई और उसी में लग गए सारे। फिर एंड के क्लिप्स ने बनाए अगले दिन उठ के सुबह, एक और कज़न के घर जाना था, फिर
वहाँ पे गए, उसकी मैंने कोई क्लिप्स नहीं बना सकी, बहुत बहुत पैथेटिक सीन था, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें मैं आगे सफ़र का दिखाऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ, किस तरह जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, तो वो देखते रहेगा। सही है।